उठा ओबीसी जागा वा, नव्या क्रांति चा धागा वा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ओबीसी प्रकोष्ठ की ओर से इसी नारे के साथ नागपुर में 3 और 4 जून को 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यकर्ता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। शरद चंद्र पवार की अध्यक्षता में इस शिविर का उद्घाटन 3 जून को दोपहर 1 बजे किया गया। इस अवसर पर ओबीसी के विभिन्न विषयों पर सामाजिक मामलों पर मार्गदर्शन करते हुए राष्ट्रवादी ओबीसी सेल के अध्यक्ष ईश्वर बालबुधे ने उपमुख्यमंत्री के कुछ बयानों में किए गए वादों को स्क्रीन पर चित्रित कर याद दिलाया कि यह महज आश्वासित किया गया पर कार्य नहीं हुआ। याच्यावर देखील आपलं महत्व आपल्याकडे जास्त असेल आणि तो समाज आपल्याला त्या नजरेनं पाहिजे। त्या समाजात काम करत असताना अनेक 400 लोक आहेत। मी आमच्याही पक्षात अनेक समाजाचे माझ्यासोबत कार्यकर्ते काम करतात, मग सक्सेना सलगर असो, आमचे लतीफ तांबोळी असो, आमचे सगळे समाजाचे आपला संजय। आणि मी फिरत असताना जयंत पाटील साहेबांनी एकच काम केलं, पहिले ओबीसी मध्ये सगळे मोठे मोठे घटक केली माई कुणबी धनकर यांना ओबीसी समजला जात होतं, पण या ओबीसी 400 जाती छोटे छोटे घटक, मग सोनार असेल, लोहार असेल, कुंभार असेल, दाभिम असेल, ह्या घटकांना सगळ्यात पहिले। इसी तरह विधायक अमोल मितकरी ने ओबीसी से वोट मिलने के बाद उन्हें बेवकूफ बनाने पर भाजपा की निंदा करते हुए कड़ा भाषण दिया। माझ्या भाजपच्या मित्राला म्हटलं माझ्या पक्षात भाषण दिलं तर आमदार होतो, तुमच्या पक्षात खोटं भाषण दिलं तर माणूस डायरेक्ट प्रधानमंत्रीच होतो, एवढा आमचा फरक आहे। वक्तृत्व हे नेतृत्व असतं का? तर बिलकुल असत, वक्ता तसं सहश्रेषू म्हटलेलं आहे। पण आज पक्ष संधी देतो काम करणाऱ्याला, पक्षाच्या नावाने अनेक लोक पदं घेतात, पक्षाच्या नावाने अनेक लोक आपली त्या निमित्ताने टीम तयार करतात, आणि एकदा का पद आलं तर मग पक्षाचा कार्यकर्ता कसा असावा? गेल्या अनेक वर्षांपासून आदरणीय पवार साहेबांनी, आदरणीय यशवंतराव चव्हाण साहेबांनी या महाराष्ट्राला एक सुसंस्कृत परंपरा दिली। तुम्ही हरिनरके सरांचं भाषण जर मनलं ऐकलं असेल तर त्यांनी सांगितलं की आज एक सिस्टीम आहे, एक सिस्टीम ठरलेली आहे। इस मौके पर विपक्षी दल के नेता अजित पवार, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल, प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल, ओबीसी राष्ट्रीय नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल, एकनाथ खड़से, राजेंद्र शिंगणे उपस्थित रहे। एनबीसीएन न्यूज के लिए अजित कुंवर के साथ अक्सा अंसारी की रिपोर्ट।